द सुपर मारियो ब्रोज। अब एक एनिमेशन मूवी होने के बावजूद भी भैया इस फिल्म ने जो कलेक्शन किया है वो बड़ी बड़ी फिल्में बड़ी बड़ी स्टोरी लेकर वो काम नहीं कर पाती हैं। और सबसे बड़ा इसका जो मेन रीज़न है वो है गेम अडेप्शन, और ऐसे गेम का अडेप्शन जो कि भैया पूरे वर्ल्ड पर लोगों के दिलों पर राज करता था। मतलब अगर आपने चाइल्डहुड के अंदर इस गेम को नहीं खेला है तो मुझे नहीं लगता कि आपने वीडियो गेम भी कभी जिंदगी में खेला होगा। देखो अगर मैं बात करूँ अब इस फिल्म के कलेक्शन के बारे में तो आज निकल के आया है इसका डे 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जहां ना कि माना कि मंडे के दिन इस फिल्म का कलेक्शन उतना खास नहीं रहा है, बट वर्ल्ड वाइड के अंदर अब इस फिल्म का टोटल जो कलेक्शन हो चुका है वो अपने में ही बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। चलिए जानते हैं वो कलेक्शन कितना है और क्या मारियो ने अब टोटल कलेक्शन कर लिया है, क्या ये सुपरहिट फिल्म बन चुकी है या फिर भैया ये फिल्म हो सकती है फ्लॉप। देखो फ्लॉप तो नहीं होने वाली है क्योंकि जो इसने कलेक्शन किया है वो बहुत कमाल का है। देखो अगर मैं बात करूं इंडिया से क्या कलेक्शन निकल के आया इसने मंडे के दिन पर यानी चौथे दिन पर, अब देखो अभी चौथा दिन ही है, वीकेंड ऑफ डेज है, इसके कारण ये कलेक्शन बहुत कम आया है। वो आया है लगभग 45 लाख रुपए के, यानी कि 45 लाख रुपीस इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा के अंदर कलेक्शन किया है, जहां की अगर मैं स्क्रीन्स की बात करें तो लगभग 500 स्क्रीन्स के अंदर इसको अभी रिलीज किया जा रहा है, मतलब दिखाया जा रहा है इंडिया के अंदर। अब अगर मैं बात करूं इस फिल्म का टोटल इंडियन कलेक्शन कितना हो जाता है तो भैया क्या बोलते हैं आपका द सुपर मारियो ब्रोज मूवी का इंडियन कलेक्शन जो टोटल हो जाता है वो हो जाता है 7.50 करोड़ रुपीज, यानी कि 7.50 करोड़ रुपए जो द सुपर मारियो ब्रोज मूवी का कलेक्शन हो जाता है इंडिया से। अब अगर मैं बात करूं कि भैया इसका ओवरसीज के अंदर क्या कलेक्शन है तो पहले मेंशन कर दूं कि ये ओवरसीज के अंदर मतलब फॉरेन्स के अंदर ये फिल्म लगभग 4 से 5 दिन पहले रिलीज कर दी गई थी, तो वहां से अगर हम काउंट करें तो इस फिल्म का लगभग मैं कह दूं 7 से 8 दिन का टाइम हो जाता है, बट इंडिया के अंदर सिर्फ 4 दिन का होता है। अब मैं बात करूं ओवरसीज के अंदर तो लगभग इस फिल्म ने 7 से 8 दिन में जो कलेक्शन किया है वो कमाल का है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म का जो बजट था वो था $100 मिलियन का, यानी कि 18 करोड़ रुपए इस फिल्म का बजट था, जहां अब इस फिल्म ने टोटल जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है वो कर लिया है $380 मिलियन का। $380 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, जहां अब इस फिल्म का टोटल अगर मैं इंडियन रुपीज में कर बताने की कोशिश करूं तो वो हो जाता है 3,002 करोड़ रुपए, 3,002 करोड़ रुपीज इस फिल्म ने टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है, अपने बजट से 3 गुना से भी ज्यादा का कलेक्शन। मतलब यह फिल्म एक ओवर अगर मैं बात करूं तो यह फिल्म एक सुपरहिट फिल्म बन चुकी है और इसका सेकंड पार्ट भी हमें देखने के लिए मिलेगा, बट उससे पहले हमें जो है इसका ओटीटी रिलीज डेट भी देखने मिलेगा, तो मैं इसी चैनल पे आपको इसको ओटीटी रिलीज भी बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज कमेंट में बताइएगा अगर आपको कोई भी अपडेट और जाननी है या फिर कुछ भी समझना है या फिर कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं कमेंट के अंदर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।